नमस्कार, देख रहे हैं कझिया नदी का रौद्र रूप दिखा रहे हैं आपको। काफी दिनों के बाद ऐसा मौका लगा है कि जब कझिया नदी पूरे अपने उफान पर है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के पुराने कझिया पुल से, यानी कि गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग का जो पुराना पुल था वहीं से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये है कझिया का रौद्र रूप। तेज हवाएं और जल स्तर चरम पर और जल का बहाव आप देख सकते हैं। ये दिखा रहा है, बता रहा है कि इस बार कैसी बारिश हुई है जिले में। ये तस्वीरें हैं गोड्डा के कझिया पुल की और वहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कझिया का रौद्र रूप और ये आवाज, ये देखिए, आप आवाज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा कझिया जो है वो अब उफान पर है। और जिस तरीके से हम लोगों ने बताया कि पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जलमग्न हो चुका है, दोनों साइड जो है कि ये छू लिया है। और ये तस्वीरें हैं गोड्डा के कझिया नदी की। जी हाँ, तो एक बार जो जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट करें और बताएं क्या कुछ स्थिति है आप लोगों के आसपास की। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और क्या कितने दिनों के बाद आप लोगों ने कझिया का ये रूप देखा है वो भी आप बता सकते हैं। इस वक्त हम लोग गोड्डा के कझिया पुल से आप लोगों के बीच लाइव हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इधर से पानी शांत आ रहा है और इस तरीके से जो है कि पूरा कझिया जो है उफान पर है। जी हाँ, गोड्डा की कझिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी का बहाव हो रहा है। देखिए ये, देखिए ये शायद ही आप लोगों ने बहुत दिनों के बाद ही देखा होगा, 99 के बाद शायद इस तरह के कि जो है कि कझिया नदी में बाढ़ आई है और ये जो है कि शायद कझिया का रूपरेखा बदल देगी। ये देखिए, ये है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कझिया का रौद्र रूप जो आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि कझिया अपने पूरे उफान पर है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के कझिया पुल से। और आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि क्या कब देखा था आप लोगों ने इस तरह की स्थिति। ये देखिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको और भी भयावह तस्वीरें देखने को मिलेगी। जी हाँ, और जिनका जिनका ईंट का भट्टा था वो शायद जलमग्न हो गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें गोड्डा के कझिया पुल से है और चारों तरफ एक मटियाला पानी जो है वो दिख रहा है। अगर नहर की बात करें तो दिवाकर कुमार हमारे साथ, कई वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत स्वागत। वो लिख सकते हैं, वो बता सकते हैं कौन कौन है हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। गोड्डा के कझिया पुल से आप लोगों के बीच लाइव है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये वो रौद्र रूप भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो नहर में जो पानी जा रही है उसकी क्या स्थिति है। आप लोग, आफ्ताब गोड्डा जो है कि वो हमारे साथ लाइव है, जुड़ चुके हैं, जो लिख रहे हैं आया सावन झूम के। जी हाँ, और पूरा इलाका जो है वह जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आलोक रंजन लिख रहे हैं कि अनुज 1999 की याद आ गई। जी हाँ, सही लिख रहे हैं, बिल्कुल। और कौन कौन लोग हैं कमेंट में लिखिए। ये रौद्र रूप कझिया का हम दिखा रहे हैं आप लोगों को घर बैठे, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये वो नहर है जिसके द्वारा कि यहाँ से जो है कि चकेसरी, दियारा, सदापुर, अन्य जगह ढोडरी और भी जैसे गांव हैं, जितने आगे के इलाके के गाँव हैं वहाँ तक इसके द्वारा जो है कि पानी पहुँचाया जाता है। और यहाँ का स्थिति देख लीजिए, ये आवाज़ बता रहा होगा, ये आवाज़ दर्शा रहा होगा, ये तमाम तस्वीरें जो है कि हम आपको दिखा रहे हैं। क्या सोच गया, लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार। समीम अंसारी हमारे, ये नज़ारा देख कर दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये रौद्र रूप कझिया गदगद हो गया। ये है कि कझिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश में भींग कर भी कवरेज करने में आज मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग साथ हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आफ्ताब गोड्डा है कि जाम के बरस, ये 1999 वाला सीन है। जी हाँ, ये है रौद्र रूप। ये देखिए, ये देखिए, ये है तस्वीरें कि गोड्डा की कझिया नदी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने दिनों बाद ये बाढ़ जो है कि देखने को मिल रहा है जिलावासियों को। ये देखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए क्या कितने दिनों के बाद आप लोगों ने ये कझिया की स्थिति देखी है। एक तरफ से शीतल पानी आ रहा है और दूसरे तरफ से ये उफान, ये तस्वीरें, ये देखिए, लोग इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग इंजॉय कर रहे हैं और अगर आप लोग भी आना चाह रहे हैं तो इस पूल का आनंद लीजिए, एक बार जरूर पहुँचिए यहाँ पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कितना भयावह नज़ारा, ये देख लीजिए।
कि गोड्डा की कझिया पुल की स्थिति, पुराने पुल की स्थिति, गोड्डा तिरुपैती मुख्य मार्ग की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, गोड्डा का रौद्र रूप दिखा रहे हैं। आफ्ताब आनंद जी, अनुज जी लिख रहे हैं, अखिलेश कुमार बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, तमाम लोग जो है कि कमेंट कर सकते हैं, गोड्डा कझिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। और लोगों का भीड़ जो है अब धीरे धीरे शायद लाइव के बाद लोग यहाँ पहुँचने लगे, अखिलेश कुमार ने बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं और कैसा लग रहा है कझिया का ये रौद्र रूप, कैसा लग रहा है। बाबू लिख रहे हैं, तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के कझिया पुल से। आफ्ताब गोड्डा जो है कि आराम से, अनु जी हम दूर ही हैं, आप लोग चिंता ना करें, पूरा सुरक्षा के साथ जो है, हालांकि भींग रहे हैं लेकिन आप लोगों को ये दिखाना भी जरूरी है क्योंकि ये कझिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के ऐतिहासिक पुराना पुल से, आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो कझिया का रौद्र रूप। इंजीनियर दीपक सिंह राजपूत लिख रहे हैं, किसानों को काफ़ी फायदेमंद होगा लगातार 2 से 3 साल के बाद सुखाड़ के बाद। दिवाकर, कभी कभी किसी सुखाड़ के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। जी हाँ जी हाँ, तो हमारे साथ आशुतोष भैया जुड़ चुके हैं। आशुतोष भैया, क्या मजा आ रहा है कि नहीं यहाँ पर? हम तो गदगद है भाई, ये दृश्य देखकर हमें ये लगता है कि बारिश होनी चाहिए थी, इस तरीके से लगातार जो है जल संकट गहराया जा रहा था। जी जी, शायद अब जल संकट से जो है वो छुटकारा मिल जाए। जी हाँ, ये कझिया का रौद्र रूप जो हम लोग दिखा रहे हैं, इसका नजारा एक अलग है, देख कर भी लोगों के आंखों में सुकून आ रहा है। जी हाँ जी हाँ, ये है रौद्र रूप और ये आवाज बता रहा है। कारू पंडित है, हम नोएडा से देख रहे हैं। राजीव कुमार मंडल लिख रहे हैं, पुल के ऊपर पानी आ जाए तो सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी हाँ, 1999 के बाद, ये राहुल कुमार लिख रहे हैं, अगर पुल के ऊपर पानी आ गया तो इस बार हर बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और उम्मीद है अगर इस तरीके की बारिश, अगर मूसलाधार बारिश हुई तो शायद ये रिकॉर्ड टूट ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पानी का शोर है, सराबा है, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कझिया अपने उफान पर है। और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई लाइव के माध्यम से, हर वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर तो करते चले जाएं। आलोक रंजन लिख रहे हैं, आशुतोष की जाए कझिया माए, देख लीजिए शायद वो दूर चले गए हैं हमसे। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कझिया की, रौद्र रूप की स्थिति हम दिखा रहे हैं। अभिनंदन लिख रहे हैं कि मैं गदगद हो, मन गदगद हो गया। जी हाँ, बारिश में थोड़ा सा स्क्रीन जो है कि वो शायद पानी से भींग रहा है। बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यह है कझिया का रौद्र रूप, और आप लोग कमेंट में हमारे साथ बने हैं तो दिखाने में और भी मजा आ रहा है। बाकी जितने लोग लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिनके मन में है कि हाँ शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिए। लेकिन जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे आग्रह रहेगा कि बारिश में आप लोगों को खबर दिखा रहे हैं तो जो है कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये है स्थिति गोड्डा के, लाइफ लाइन कही जाने वाली कझिया नदी अपने रौद्र रूप पर है। और ये दर्शा रहा है, ये आवाज़ दर्शा रही है कि क्या कुछ होने वाला है इस बार। किसान जो है वो पूरे खुश हैं। और आगे आपको अगर ले चले हम तो वहाँ आलोक रंजन लिख रहे हैं कि आशुतोष जी जय कझिया माए, देख लीजिए कझिया मैया की जय। ये देखिए, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के कझिया नदी से, और ये है स्थिति, रौद्र रूप जो है कझिया ने ले लिया है। और आगे अगर दिखाएंगे तो ये देखिए उफान पर है, और 1999 के बाद लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। कुंदन सिन्हा है, सुकून मिला देखकर सालों बाद। और एमडी इकबाल है हमारे साथ, अभी भी बारिश हो रही है। जी हाँ, बारिश लगातार हो रही है, बारिश नहीं रुक रही है। दयानंद कश्यप हमारे साथ लिख रहे हैं, कुल कुल भाई कझिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग का भी हक बनता है किसी और लोगों तक पहुंचाइए और जो है कि वीडियो को लाइक करते चले जाइए। जी हाँ, तो ये तस्वीरें हैं जिसे देखकर ताजुब तो हो रहा होगा आप लोगों का, लेकिन किसान इससे बहुत खुश होने वाले हैं। इस साल लग रहा है कि हमारे इलाके में फसल जो है वह लहलहा उठेगी, किसान के चेहरे पर खुशी होगी। और इसका सीधा और सीधा जिस तरीके से कि कझिया को गोड्डा का लाइफ लाइन कहा जाता है और उस पर यह खरा उतरता हुआ, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा माहौल जो है देखने को मिल रहा है कि यह तस्वीरें हैं। और देख लीजिए कि तमाम लोग यहाँ पर अब जुट रहे हैं इस बहाव को देखने के लिए, इसके शोर को सुनने के लिए। तो अगर आप लोग भी करीब हैं गोड्डा से, नज़दीक हैं, इलाके से नज़दीक हैं, तो आप लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और आप लोगों के बीच जो है हम लोग इस भरी कझिया पुल पर, भरी बारिश में, जोरदार बारिश में आप लोगों के बीच लाइव है। जी हाँ, और आशुतोष जी का ये गाना, बरस बरस जाए मन, आगे गाना नहीं आता है। तो देख लीजिए आशुतोष भैया गुनगुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आनंद
शायद आप लोग लाइव देख के पहुंच रहे हैं, देखिए नीरज भैया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है स्थिति कजिया की। कजिया अपने रौद्र रूप, उनका क्या होने वाला, जो बीच इलाके में भट्टा लगाए हुए हैं उनका क्या हुआ होगा? अभी भट्टा बैठ जाएगा, काफी नुकसान का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। अभी भट्टा बैठ जाएगा जी हाँ। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा शायद कैमरे में कि आगे 2 से 3 जो है चकेसरी से अंदर में जो इलाका है वो शायद वहां तक पानी जो है पहुंच चुका है। कजिया का रौद्र रूप आप लोग को आलोक रंजन रिपोर्टिंग के दौरान थोड़ा बच्चों पर भी नजर रखना है कि कोई नदी में ना जाए। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि इस बहाव में, इस पानी में पैर भी रख सके, क्योंकि नीचे सिर्फ पत्थर है। और ये कजिया का रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, देखिए ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा के कजिया नदी। विकास चंद्र झा हमारे साथ हैं, आफ्ताब गोड्डा है। तमाम लोग कमेंट कीजिए, फिर आप लोगों का कमेंट रुक गया है, अगर कमेंट रुक जाएगा तो ये जो है कि फिर लाइव को हमें समाप्त करना पड़ जाएगा। ध्यान निशांत कुमार हमारे साथ हैं, देख देख नजारा गोड्डा का, मन गदगद हो गया। एक लाइन में कमेंट लिखिए सर, एक लाइन में कमेंट लिखिए, पढ़ने में काफी समस्या हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं जो है कि हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा की कजिया नदी से। कजिया नदी का रौद्र रूप जो है वह उफान पर है। तो आगे चलते हैं आशुतोष भैया, लोग जब लाइव देखने के बावजूद भी लाइव में कमेंट करने के बाद लोग कॉल कर रहे हैं, कॉल मत कीजिए, इसी मोबाइल से आप लोग के बीच लाइव है। सावन का महीना देखिए, पवन करे तोर, अर्जियर अर झूमे से जैसे मनवा नाचे मोर। तो आज सावन घुस गया है और आशुतोष भी आज सावन मनाने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। और उस बीच में गोड्डा में ये बारिश और ये कजिया का रौद्र रूप जो है कि चारों तरफ किसानों को जो है खुश करने वाला है। और हम चाहेंगे आशुतोष भी आप हमारा एक तस्वीर ले लीजिए उधर से, ताकि आज हम आप लोगों के बीच तस्वीर को साझा कर सकें कि किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है इस बारिश में। इस विकास चंद्र झा लिख रहे हैं कि अतिक्रमण वाला का क्या हो गया। राधे सिंह राजपूत हैं, जय हो लिख रहे हैं। आफ्ताब गोड्डा लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, आप लाइव रहिए। जी हाँ, राधे सिंह राजपूत हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। और ये तस्वीरें गोड्डा के कजिया नदी से आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाकी और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आगे लिए चलेंगे। ये देखिए चारों तरफ जो है कि कजिया सिर्फ पानी ही पानी दिखा रहा है। लोग लगातार जुड़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।